समाज सेवी आभा रनावरे को पर्यावरण सेवा सम्मान मंत्री दिलीप वेलसे पाटिल ने किया सम्मानित, यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान का आयोजन। नवी मुंबई के पर्यावरण प्रेमी आभा रनावरे को आज राज्य के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हाथों पर्यावरण सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिव जयंती उत्सव पर नेरुल के वरिष्ठ नागरिक हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, शशिकांत शिंदे और आनंद प्रांजपे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। यहाँ अलग अलग क्षेत्र के 16 लोगों को यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान नवी मुंबई द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले आभा रनावरे को पर्यावरण सेवा सम्मान प्रदान किया गया। राज्य के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आभा रनावरे को सम्मानित करते हुए उनके पर्यावरण संरक्षण कार्यों की प्रशंसा की। वहीं सम्मानित होने पर आभा रनावरे ने खुशी जाहिर की और यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान के प्रति आभार एवं विश्वास जताते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलेगी। अच्छा संस्कार का वजह से ये हम पर्यावरण का काम कर सकता है। ये जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार बोले तो ये थोड़ा जिम्मेदारी होता है, तो जिम्मेदारी हम इसे आगे भी झाड़ लगाना, झाड़ तोड़ता है, बहुत से लोग झाड़ लगाते हैं लेकिन झाड़ तोड़ता है उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, तो झाड़ तोड़ता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं। इसके लिए हमारा ये संस्था ने दखल लिया है, इसके बारे में हम बहुत खुश हैं। आज तक मैं देखो झाड़ जिधर भी काटते हैं, जो जहरतदार है वो जहरत फलक दिखने के लिए जो झाड़ काटते हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। कोई सोसाइटी में बिना कारण झाड़ काटते हैं, कोई वजह नहीं है, इसके लिए जो झाड़ काटते हैं तो उसको लेकर हम कार्रवाई करते हैं। झाड़ लगाते हैं खाली बारिश में नहीं या पर्यावरण दिन के टाइम पे नहीं, हम लोग डेली झाड़ लगाते हैं। गमले में आज 40 प्रकार के हर्बल प्लांट्स है, लोगों को हम ये जड़ी बूटी का स्कूल कॉलेज में या कोई संस्था में, नूतन महिला मंडल है, मराठा साहित्य मंदिर है, अंबिका योग कुटीर है, ऐसे जगह में हम लोग ये आयुर्वेदा दर्शन करके प्रोग्राम देते हैं। जो कॉलेज है नवी मुंबई के, कोई मुंबई के कॉलेज है, स्कूल है, उसमें बच्चे लोगों को भी जानकारी होना चाहिए आयुर्वेदा के बारे में, इसके लिए हम वहाँ जाके बिना मूल्य हम लोग ये आयुर्वेदा दर्शन करके प्रोग्राम रखते हैं। गौरतलब है कि पर्यावरण प्रेमी आभा रनावरे बेस्ट बस कर्मचारी हैं। हालांकि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वे बीते 20 वर्षों से निसर्ग संस्था से जुड़कर पर्यावरण सुरक्षा और जागरूकता के लिए काम करते आ रहे हैं। अब तक उन्हें सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं। नई मुंबई के जूईनगर के रहवासी आभा रनावरे ने अपने घर के आसपास औषधीय वनस्पतियों की बड़ी फुलवारी लगा रखी है, जो उनके पर्यावरण प्रेम का सबूत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।